नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। एक बेहद अहम घटनाक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आनंदीबेन पटेल के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद पदभार संभाला था। समझा जाता है कि राज्य के सत्ता संघर्ष में रूपानी मात खा गए हैं। नए मुख्यमंत्री का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। बता दें, पिछले 5 महीने के भीतर ही बीजेपी ने कई राज्यों में मुख्यमंत्री बदल दिए हैं। कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा, उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत के अलावा असम में सर्वानंद सोनोवाल ने भी हाल ही में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी के इस्तीफे के तुरंत बाद प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में महामारी के दौरान अपने कुप्रबंधन को छिपाने के लिए रूपानी को बलि का बकरा बनाया है। द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमित चावड़ा ने कहा कि ये सरकार सभी मोर्चों पर विफल रही है। उन्होंने कहा कि हम जानते थे कि गुजरात की सरकार दिल्ली से रिमोट कंट्रोल के द्वारा चलाई जाती है, क्योंकि जिस तरह आनंदीबेन को अपना कार्यकाल पूरा किए बिना इस्तीफा देने के लिए कहा गया, उसी तरह विजय रूपानी को भी उनका पूरा कार्यकाल नहीं करने दिया गया। बीजेपी अपनी नाकामियों को छिपा रही है और रूपानी को बलि का बकरा बनाया गया है। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमित चावड़ा ने कहा कि गुजरात भाजपा के भीतर आंतरिक विवाद तब से स्पष्ट था जब सीआर पाटिल को गुजरात भाजपा अध्यक्ष बनाया गया था, और आज ये अपने चरम पर पहुंच गया है। सरकार कोविड प्रबंधन में विफल रही। पहली और दूसरी लहर में 3 लाख से अधिक लोग मारे गए। राज्य में लाखों युवा बेरोजगार हैं और किसान आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपनी विफलता छिपाने के लिए रूपानी का भोग लगा दिया और गुजरात की जनता ये जानती है। इलाहाबाद में आयोजित समारोह के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश एनबी रमना ने कहा कि 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा इंदिरा गांधी को अयोग्य घोषित करने का फैसला एक साहसिक फैसला था। उन्होंने कहा कि 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने उस फैसले को पारित किया जिसने देश को हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा कि यह बड़ा साहसिक फैसला था और हो सकता है कि इसका सीधा परिणाम आपातकाल की घोषणा रही हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हालांकि उसके परिणामों पर मैं अभी विस्तार से बात नहीं करूंगा। सिर फोड़ने का आदेश देने वाले एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर हरियाणा के करनाल में चल रहा किसान आंदोलन खत्म हो गया है। शनिवार को चौथे दौर की बातचीत में सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों के बीच इस पर सहमति बन गई। समझा जाता है कि हरियाणा सरकार ने कहा है कि वह एक रिटायर्ड जज की अगुवाई में एक जांच कमेटी गठित करेगी जो 28 अगस्त को करनाल में किसानों पर हुई पुलिस कार्रवाई पर अपनी रिपोर्ट देगी। करनाल के तत्कालीन सब डिविजनल मजिस्ट्रेट आयुष सिन्हा की इसमें भूमिका की भी जांच की जाएगी। इस जांच रिपोर्ट के आने तक आयुष सिन्हा छुट्टी पर रहेंगे। करनाल में प्रदर्शन कर रहे किसान घायलों के लिए मुआवजा और जान गंवाने वालों किसानों के परिजनों के लिए नौकरी की मांग भी कर रहे थे। अब सरकार ने यह कहा है कि 28 अगस्त के लाठीचार्ज के बाद जिस किसान की मौत हुई थी उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसी तरह बस्तारा टोल प्लाजा पर हुए लाठीचार्ज में जिस किसान की मौत हुई उसके एक परिजन को भी सरकारी नौकरी मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज 2+2 वार्ता हुई। समझा जाता है कि दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच अफगानिस्तान के घटनाक्रम और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर बातचीत हुई। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष मॉरिस पाइने और पीटर डटन के बीच 2+2 वार्ता के दौरान इंडो पैसिफिक को लेकर महत्वपूर्ण चुनौतियों पर भी चर्चा की और सहयोग पर विचार विमर्श किया। इसके अलावा कोरोना से भविष्य में लड़ने को लेकर भी चर्चा की गई। आतंकवाद को दोनों पक्षों के लिए एक बड़ा खतरा मानते हुए डटन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया भारत रक्षा संबंध ऐतिहासिक ऊंचाई पर है। तालिबान ने अपने मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह को रद्द कर दिया जो 9/11 हमले की 20वीं बरसी पर होने वाला था। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि यह फैसला पैसे बचाने के लिए हो सकता है लिया गया हो, क्योंकि देश पहले से ही नकदी की कमी से जूझ रहा है। हालांकि कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि तालिबान पर उसके सहयोगियों द्वारा शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने के विरोध में दबाव डाला गया था। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि तालिबान आज के दिन शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने की योजना बना रहा है, लेकिन रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चीन, तुर्की, पाकिस्तान, ईरान, कतर, रूस, भारत और अमेरिका को इसके लिए निमंत्रण भेजा गया था। और रूस की ओर से इस बात की पुष्टि भी की गई कि उनकी ओर से तालिबान सरकार के समारोह में कोई हिस्सा नहीं ले रहा है। तालिबान के अफगानिस्तान के कब्जे को लेकर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि मैं दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जो देख रहा हूं उससे मैं बहुत चिंतित हूं, और ये एक तथ्य है कि अफगानिस्तान में तालिबान जीतने में कामयाब रहे हैं।
इस तथ्य से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के अन्य समूह प्रोत्साहित हो सकते हैं, जबकि वो तालिबान से अलग हैं और मैं उनमें कोई समानता नहीं देख रहा। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने कहा कि तालिबान के साथ बातचीत तो बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र चाहता है कि ये देश अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में रचनात्मक भूमिका निभाए। तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बैनर्जी को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ओर से पेश होने के लिए एक नया समन भेजा गया है। ये समन कथित कोयला खदान घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए भेजा गया है। ईडी ने बैनर्जी को 21 सितंबर को पेश होने के लिए कहा है। बैनर्जी को मूल रूप से शुक्रवार को दिल्ली में पेश होने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए आग्रह किया कि वो इतने कम समय में यात्रा नहीं कर सकते। बता दें, अभिषेक बैनर्जी से इसी महीने 6 सितंबर को दिल्ली के जामनगर हाउस में 8 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की जा चुकी है। मुंबई के साकिनाका इलाके में दुष्कर्म की शिकार महिला ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। महिला से एक टेम्पो के अंदर बलात्कार किया गया था और बाद में प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड डाल दी गई थी, जिसके बाद गंभीर हालत में महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी मोहन चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।